Hi guys, this is Sikandar. Welcome to my YouTube channel Reasoning Math. Guys, today I am going to teach you four most important math reasoning questions which will be helpful for all exams like Railway Group D, NTPC, RRB, CGL, Banking, etc. So let's get started. क्वेश्चन नंबर वन, देखिए ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी एग्जाम में दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो बताएं 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ये जो क्वेश्चन है मात्र दो सेकंड में बनेगा, मैं ऑलरेडी ट्रिक्स बता चुका हूँ। यदि महीना सेम दिया रहे 18 फरवरी से 18 फरवरी, ईयर में यदि डिफरेंट दिया रहे तो दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 18 फरवरी है, उसके बाद क्या है 2005 है, उसके बाद 18 फरवरी है 2007 है, दोनों के बीच आप डिफरेंट देखिए। देखिए 18 फरवरी से 18 फरवरी जीरो डिफरेंट है, 2005 से 7 के बीच क्या डिफरेंट है, दो डिफरेंट है। अब आपको चेक करना है 2005 एक लीप ईयर्स है नहीं है, 2007 भी लीप ईयर नहीं है और 2006 भी लीप ईयर्स नहीं है, तो आपका यहाँ डिफरेंट क्या आया, दो दिन आया ना, तो शुक्रवार में जोड़ दीजिए। शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो रविवार। अब देखिए रविवार कौन से ऑप्शन में है, देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने 29 दिन के नहीं थे। देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें आपको चेक करना है कि कौन सी ईयर में फरवरी का महीना जो है 29 दिन का नहीं था, यानी कि इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, तो हम बता दिए कि लीप ईयर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चार से भागा देते हैं, जिसमें चार से पूरा पूरी भागा लग गया वो क्या होता है, लीप ईयर कहलाता है। देखिए 2000 है तो 2000 में चार से पूरा पूरी भागा लग जाएगा, यानी कि ये क्या है, ये लीप ईयर है, इसमें जो है फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। 2004 है, देखिए 2004 भी क्या है, लीप ईयर है, इसमें भी जो है फरवरी महीना 29 दिन का होता है। देखिए 1996 है, 1996 हम चेक करते हैं ये लीप ईयर है या नहीं। देखिए हम चार से भागा देंगे कितना बार में, चार बार में खाएगा, चार चौक 16, यहाँ तीन उतरा और यहाँ नौ उतरा, कितना बार में, नौ बार में खाएगा, नौ चौक कितना हो गया 36, अब यहाँ देखिए कितना उतरा, तीन उतरा और यहाँ छः उतरा, फिर कितना बार में खाएगा, नौ बार में खाएगा, तो देखिए ये बराबर कट हो गया, यानी कि ये भी क्या है, एक लीप ईयर है। अब देखिए यहाँ 1966 चेक करना है मुझे, ये लीप ईयर है या नहीं। देखिए चार से भागा दीजिए कितना बार में, फिर चार बार में खाएगा, चार चौक 16, अब देखिए यहाँ तीन उतरा और यहाँ छः उतरा, कितना बार में खाएगा, नौ बार में, नौ चौक 36, अब देखिए यहाँ छः उतरा तो चार में जो है छः से बराबर भागा लगेगा, नहीं लगेगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है, डी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन में फरवरी महीना 29 दिन का नहीं थे, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये जो क्वेश्चन है मात्र दो सेकंड में बना पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं ऑलरेडी ट्रिक्स बता चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना, 1 जनवरी से 1 मार्च के बीच दिन काउंट कीजिए और 7 से डिवाइड कीजिए, जो आपका शेष आएगा शुक्रवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 जनवरी को बता दिया कि शुक्रवार है तो शेष आपका कितना दिन बच गया, 30 दिन बचा, उसके जनवरी के बाद आता है फरवरी, फरवरी कितने दिन का महीना होता है, अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर्स में फरवरी होता है 29 दिन का महीना होता है, उसके बाद मार्च यानी कि प्रथम मार्च पूछा जा रहा था, हम 1 मार्च यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, सभी को प्लस कीजिए, कितना दिन हो गया आपका, 60 दिन हो गया, 7 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में खाएगा, 8 बार में खाएगा, 8 से 3 कितना हो गया, 56 हो गया, शेष आपका क्या बच गया, शेष यहाँ बच गया आपका 4 दिन, ये जो 4 दिन बचा शुक्रवार में जोड़ दीजिए, शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे शनिवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे रविवार, तीसरा दिन जोड़ेंगे सोमवार और चौथा दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार। देखिए मंगलवार कौन से ऑप्शन में, देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है मात्र 2 सेकंड में बना पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। मैं ऑलरेडी ट्रिक्स बता चुका हूँ, 1 जनवरी मीन्स 1 जनवरी और यहाँ भी देखिए 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी, तो यदि महीना सेम दिया रहे और ईयर में यदि डिफरेंट रहे तो दोनों के बीच हम क्या करेंगे, डिफरेंट देखेंगे। देखिए 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 1999 है, फिर यहाँ 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी कितना है, 2000 है, तो दोनों के बीच अब डिफरेंट देखिए 1 जनवरी से 1 जनवरी के बीच जीरो डिफरेंट, 1999 से 2000 के बीच क्या डिफरेंट है, 1 डिफरेंट है। अब आपको चेक करना है लीप ईयर्स कौन सा है, देखिए 1999 एक लीप ईयर्स नहीं है, 2000 एक लीप ईयर्स है, लेकिन यहाँ 1 ही जनवरी तक पूछा जा रहा है तो इसमें लीप ईयर्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो 1 दिन का डिफरेंट आया ना तो यहाँ मंगलवार में जोड़ दीजिए, यदि 1 दिन मंगलवार हम मंगलवार में जोड़ेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, बुधवार। देखिए बुधवार यहाँ डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग।